Hello, welcome back to TTVS class, class 5th. In the previous video lecture, we have discussed about the magnificence of tree. और इसमें डिस्कस कर चुके थे the conversation between गौरी and her mother. Now, गौरी asked her mother about the Amrita Devi and her mother replied that in Jodhpur there was a king and the king ordered his soldiers to cut the trees of Khejri for the requirement of the construction in his palace. The soldiers cut the trees with the people and with Amrita Devi. जो राजा के जो सैनिक थे उन्होंने पेड़ों के साथ में ही जो Amrita Devi थी और भी जो villagers थे Khejri गांव के रहने वाले लोग थे जो पेड़ों से बचाने के लिए पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने उसको एम्ब्रेस किया हुआ था उनको भी कट कर दिया. इट मीन्स दैट द विलेजर्स एंड Amrita Devi सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू सेव द ट्रीज. अराउंड 363 पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू सेव द ट्रीज. इस प्रकार से 363 लोगों ने उस जो Khejri विलेज था जोधपुर में आता है Khejri विलेज तो वहाँ के लगभग 363 लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया पेड़ों को बचाने के लिए. अब जब ये जो ये प्रेरणा मिलती है लोगों को कि हमें भी पेड़ों को बचाना चाहिए तो इसके लिए लोगों ने चिपको मूवमेंट चलाया और वो भी लोग पेड़ों से चिपकने लग गए जिससे कि पेड़ों को बचाया जा सके. और भी कई प्रकार के मूवमेंट पेड़ों को कंजर्व करने के लिए ट्रीज को कंजर्व करने के लिए चलाए. सो द रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस थ्रू द टेक्स्ट बुक. सो लेट्स बिगिन नाउ. वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर अबाउट द कन्वर्सेशन बिटवीन योगीराज एंड भंवर. जो भंवर और योगीराज के बीच में डिस्कशन है इस टॉपिक पर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंशिएंट कल्चर ऑफ राजस्थान. इसमें जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है यानी कि वनों के जो स्रोत है उनको कैसे कंजर्व किया जाए और हमारे राजस्थान की जो प्राचीन संस्कृति है उसको कैसे कंजर्व किया जाए इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन डिस्कशन थ्रू द टेक्स्ट बुक. Yes, these answer the following we will discuss in the next video lecture. In this video lecture, we will discuss the heading conservation of forest resources, ancient culture of Rajasthan. जो वनों के स्रोत हैं और राजस्थान की जो प्राकृतिक प्राचीन संस्कृति है उसको कैसे कंजर्व किया जाना चाहिए तो ये हम भंवर और योगीराज के डिस्कशन के थ्रू समझेंगे. भंवर एंड योगीराज वेंट टू ए फेयर. भंवर और योगीराज एक मेले में जाते हैं. ऑन द नेक्स्ट डे इन देयर क्लास दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फेयर. और दूसरे ही दिन वो अपनी क्लास में उस फेयर के बारे में डिस्कशन करते हैं. भंवर कहता है भंवर सेड I enjoyed a lot when I visited the fair of our local folk god. जब हमने अपने local जो देवता थे जब हम उनके मेले में गए तो हमने बहुत सारा enjoy किया वहाँ. I saw a very huge grassland and oran near the courtyard. और हमने वहाँ पर घास के मैदान और ओरन देखा. ओरन क्या होते हैं? ओरन होते हैं जो लैंड कंजर्व की जाती है उसको ओरन कहा जाता है या ऐसे कह सकते हैं कि द कंजर्व्ड लैंड इज कॉल्ड ओरन. नाउ योगीराज सेड व्हाट इज ग्रासलैंड एंड ओरन. वो पूछता है कि ग्रासलैंड और ओरन होता क्या है. उसको पता नहीं है कि घास के मैदान और ओरन जो कंजर्व्ड लैंड होती है वो क्या होते हैं. नाउ भंवर रिप्लाइड आई हैड सीन अ लॉट ऑफ ट्रीज श्रब्स एंड अनकल्टिवेटेड लैंड. कि हमने वहाँ बहुत सारे पेड़ झाड़ियाँ और बिना जुते हुए जमीन देखी या खेत देखे. वाई ऑब्जर्विंग द ट्रीज एंड श्रब्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट कट विद एन एक्स देयर. एक्स मीन्स यहाँ कुल्हाड़ी जिससे पेड़ों को काटा जाता है. तो हमने ये सब देख करके ये ऑब्जर्व किया जो ट्रीज श्रब्स थे उनको देख करके ये समझ में आया कि इन पर कुल्हाड़ी नहीं चलाई गई है यानी कि इनको काटा नहीं गया है. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर ओपन एवरीबॉडी पेज नंबर 42. नाउ योगीराज रिप्लाइड हाउ डू यू नो सो मच अबाउट
ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें ये सब इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में कैसे पता है? नाउ हमर रिप्लाइड, द पीपल इन माई विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम सच टाइप ऑफ लैंड टू नो मोर वी आस्क अवर टीचर. हमारे गांव में जो लोग हैं वो लकड़ियाँ काटने के लिए इनको नहीं काटते हैं, और एक्स्ट्रा जानने के लिए हम अपने टीचर से पूछते हैं. नाउ योगीराज asked his टीचर, सर प्लीज टेल मी अबाउट द ग्रास लैंड एंड ओरन्स. वो अपने टीचर से पूछता है कि कृपया हमें ग्रास लैंड और ओरन के बारे में बताएं कि ये क्या होते हैं. टीचर रिप्लाइड, डियर स्टूडेंट्स, द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द एनवायरनमेंट इज एज ओल्ड. राजस्थान में पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो जागरूकता है वो पहले से चली आ रही है, कई सदियों पुरानी है, एजेस पुरानी है. द लैंड एरिया नियर द विलेज इज कंजर्व बाई नेमिंग इट आफ्टर एनी रीजनल गॉड, गॉडेस, सेंट और अ ग्रेट पर्सन. जो यहाँ की जो गांव की जमीन है वो किसी देवी देवता, संत या कोई महान व्यक्ति के बारे में उनके नाम के आधार पर उसको कंजर्व कर दिया जाता है. दिस लैंड इज नोन एज एन ओरन, और इसी जमीन को ओरन के नाम से जाना जाता है. तो आपको क्या समझ में आया, ओरन क्या होती है? एक कंजर्व्ड लैंड होती है जो किसके नेम पर आधारित होती है, गॉड, गॉडेस एंड सेंट. सेंट का मतलब संत, ग्रेट पर्सन या महान व्यक्तियों के नाम पर उसको कंजर्व कर दिया जाता है कि ये जमीन है जो मान लीजिए देवी देवता विष्णु भगवान के लिए संरक्षित है, तो यहाँ पर जो पेड़ हैं उनको कोई नहीं काटेगा. तो इस प्रकार से वो एक तरीके से जो लैंड है वो कैसी हो गई, कंजर्व हो गई. अब वहाँ पर जो है इस मान्यता से कोई भी ट्रीज को कट नहीं करेगा. तो ये आपका ओरन. तो व्हाट इज ओरन, कंजर्व लैंड इज कॉल्ड ओरन. नाउ योगीराज, सर डू द विलेजर्स नॉट कट द वुड फ्रॉम दिस लैंड. क्या जो गांव वाले हैं वो यहाँ से लकड़ी नहीं काटते हैं? टीचर रिप्लाइड, येस द विलेजर्स डू कट द वुड फ्रॉम हेयर. हाँ, यहाँ भी लोग लकड़ी काटते हैं. द मेन रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ग्रास लैंड एंड ओरन इज दैट द लोकल पीपल हैव फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट टूवर्ड्स द एनवायरमेंटल अवेयरनेस. हाँ, यहाँ के लोग भी लकड़ी काटते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो है कि जो ग्रेजिंग से ग्रास लैंड को कंजर्व किया जाए. ग्रेजिंग का मतलब चरागाह, जहाँ पर पशु वगैरह चरते हैं, या ओरन के रूप में इसको कंजर्व किया जाए. यानी कि यहाँ के जो विलेजर्स की जो मान्यता है वो ये है कि इस तरीके से और उनको रेस्पेक्ट दे करके यहाँ उनको पेड़ों को कटने से रोका जा सके और एनवायरनमेंट को सेव किया जाए, रेस्पेक्ट किया जाए उसको. योगीराज, सर द विलेजर्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दीज टाइप ऑफ लैंड्स. वो योगीराज कहता है कि सर जो गांव वाले लोग हैं उन्होंने कई सरकार के द्वारा बनाए हुए जो नियम हैं जमीन के बारे में उनको भी डिस्कस किया. नाउ द टीचर रिप्लाइड, अब टीचर क्या रिप्लाई देता है, येस योगीराज यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही हो तुम अपनी जगह. राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रास लैंड, ग्रेजिंग लैंड्स एंड ओरन ड्यू टू द रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल टूवर्ड्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट. राजस्थान सरकार ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए यहाँ की जो ग्रास लैंड्स हैं, यहाँ की जो ओरन्स हैं, या जो एनवायरमेंट को जो कंजर्व करना है उसके लिए रूल्स बनाए हैं, ग्रास लैंड के लिए, ग्रेजिंग लैंड्स के लिए और ओरन्स के लिए. योगीराज, सर ड्यू टू द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न ऑफ लोकल पीपल टूवर्ड्स एनवायरमेंट कंजर्वेशन, द ग्रेजिंग लैंड्स, ग्रास लैंड्स एंड ओरन्स आर कंजर्व्ड इन द रूरल एरियाज. तो जो योगीराज है वो वापस पूछता है अपने टीचर से कि इसी कारण से, इन्हीं रूल्स के कारण से जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, जो लोकल पीपल हैं वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं, इतने अवेयर हैं एनवायरनमेंट के बारे में. द ग्रेजिंग लैंड्स और जो ग्रास लैंड्स हैं या जो ओरन्स हैं ये सारे ही रूरल एरियाज में कंजर्व हैं, संरक्षित हैं. सिमिलरली इन राजस्थान द फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन
Yes. Now, similarly, in Rajasthan, the forest in different regions are conserved through various customs and traditions. इसी तरीके से राजस्थान में जो जंगल हैं या different types के जो regions हैं उनको कई different different custom और tradition यानी कि परंपरा और मान्यताओं के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार उनको कंजर्व किया हुआ है. Now, think and answer the following question. We will discuss in the next video lecture. Now, next page. Yes, now in your exam the map will also come. एक map भी आएगा आपके exam में. तो आप इससे पहले वाला जो chapter था उसमें भी आपने एक map देखा था और इस chapter में भी map दिया हुआ है. तो आपको map fill करना समझ में आना चाहिए. ये देखिए राजस्थान का map दिया हुआ है. इसमें आपको क्या करना है, जो table दी है next page पर उसमें different sanctuaries of राजस्थान में जो sanctuaries हैं उनको mention किया हुआ है. तो आप लोग उनमें से देख करके कि वो sanctuaries कौन सी district में हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको राजस्थान के मैप में टिक करना है. ठीक है, अभी आपको बताएंगे कैसे टिक करना है. टेक ए मैप ऑफ राजस्थान. तो आपको सभी को जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप नोटबुक में ये मैप पेस्ट करेंगे. आप उसमें बताएंगे कि इस किस प्रकार से जो राजस्थान जो स्टेट है पॉलिटिकल मैप लेंगे आप राजस्थान का, उसमें ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो आपको जिसमें ये सेंचुरी सिचुएटेड है उनको मार्क करेंगे या टिक करेंगे. तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट और कौन कौन सी सेंचुरीज दी हुई हैं. यस, रणथंभौर नेशनल पार्क जो एक टाइगर रिजर्व सेंचुरी है जो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर. तो आपको राजस्थान के मैप में इसको टिक करना है. अभी वापस मैप की साइड में चलेंगे जब आपको बताएंगे. नाउ नेक्स्ट, ये आपको लर्न भी होने चाहिए. कुछ लोग तो यहाँ जाकर के भी आए होंगे रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि सवाई माधोपुर में है और ये टाइगर रिजर्व है. नाउ केवलादेव नेशनल पार्क घना वर्ड सेंचुरी जो कि भरतपुर में है, ये भी बहुत फेमस है. तो अभी आपको बताएंगे भरतपुर की लोकेशन आपको टिक करनी है इसमें राजस्थान के पॉलिटिकल मैप में. नाउ नेक्स्ट नेशनल डेजर्ट पार्क. फिर आपको जो नेशनल डेजर्ट पार्क है जो जैसलमेर में और बाड़मेर में है उनको टिक करना है. सरिस्का नेशनल पार्क जो अलवर में है इनको मार्क करना है. ये देखिए जो रणथंभौर है आपका वो कहाँ पर रहा है, आपका सवाई माधोपुर में. तो सवाई माधोपुर आप इसमें सर्च कर सकते हैं. ये देखिए ये सवाई माधोपुर की लोकेशन है, दौसा के पास है ये, इसमें देख सकते हो. दूसरा आपका जो है भरतपुर बताया है जिसमें क्या है केवलादेव वर्ल्ड सेंचुरी है. तो इसमें आप देख सकते हैं भरतपुर की सिचुएशन लोकेशन यहाँ पर है. फिर आपका दिया हुआ है बाड़मेर और जैसलमेर जो कि नेशनल डेजर्ट प्लेस हैं. तो ये है आपका जैसलमेर और ये बाड़मेर, इनको आपको लर्न करना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है. नाउ ऐसे ही आपको सारे फिल करने हैं. नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम स्टॉपिंग हियर बिकॉज इट विल बिकम लेंथी. नाउ रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. सो थैंक्स.